नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है, जिन्होंने इस बार 15 से 18 सेशन से ग्रेजुएशन क्लियर किए हैं, यानी कि आपका रिजल्ट आ गया है पार्ट थर्ड का बीए बीएससी बीकॉम से, तो दोस्तों आपके लिए सुनहरा अवसर है। आपका पीजी पार्ट वन में एडमिशन होगा। जी हाँ दोस्तों, MA MSc MCOM में आपका एडमिशन होगा सेशन 18 से 19 में। यदि आपने 15 से 18 सेशन से ग्रेजुएशन क्वालिफाई किए हैं इस बार, तो 18 से 19 तो आपका बीत चुका है, लेकिन बीएन मंडल यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें यह साफ साफ बता दिया है कि आप पीजी में जो आगे एडमिशन लीजिएगा, वो आपका पार्ट वन एडमिशन जो होगा 18 से 19 के सेशन में ही होगा, और आपका पार्ट टू जो होगा, ये जो नया सेशन 1921 जो अब जारी होगा, मात्र एक साल आपको पीजी में आगे गुजारना है। तो जो भी आप लोगों का नुकसान हुआ है एक साल का, वो भरपाई आप यहां पर कर सकेंगे। यानी कि आपका 15-18 सेशन था और आपका 19 में क्लियर हुआ है ग्रेजुएशन, तो एक साल आपका बर्बाद जा रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि आपका पीजी पार्ट वन एडमिशन जो होगा 18 से 19 सेशन में ही होगा। चलिए दोस्तों, इसके लिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आपके सामने बीएन मंडल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो पीजी पार्ट वन में एडमिशन के लिए जारी किया गया है। इसका प्रिंट आउट निकाल करके फ़ोटो लिए हैं और यहां पर देख सकते हैं, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। यह जो है कल के डेट में प्रकाशित किया गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट स्नातकोत्तर यानी कि MA MSc MCOM में प्रथम सेमेस्टर 18 से 19 में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन इस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा दिनांक 9 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक किया जाना है, इसके लिए कार्यक्रम निम्नलिखित है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं पीजी पार्ट वन में एडमिशन के लिए, फिर से बता देते हैं आपको, 15 से 18 सेशन में आपका यदि ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है, यानी कि इस बार आपका पार्ट थर्ड का रिजल्ट आ चुका है, जो एक साल आपका लेट चल रहा था, उसको मेकअप करने के लिए 18 से 19 में ही आपका पार्ट वन में एडमिशन होगा। जी हाँ दोस्तों, पीजी पार्ट वन का एडमिशन आपका 18 से 19 में ही होगा, और इसके लिए आवेदन आप कर सकेंगे 9 सितंबर यानी कल से लेकर के 18 सितंबर तक आप आवेदन कीजिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन होगा आपका। तो दोस्तों, इसमें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, यह रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वन टाइम है, इसमें आप दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकेंगे जब यह डेट एक्सपायर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कम रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिए, जिसके कारण आप लोगों को अगर आगे इच्छा होगी कि एडमिशन लें या ना लें, तो आप लोगों को इससे बेनिफिट्स मिल सकती है। इसका मेरिट लिस्ट जो पब्लिश किया जाएगा 20 सितंबर को पब्लिश किया जाएगा, 22 सितंबर तक, 20 से 22 सितंबर तक आप जो है मेरिट लिस्ट को देख पाएंगे। उसमें आप अपना नामांकन होगा कि नहीं होगा आपका, वो लिस्ट में आप नाम अपना ढूंढ सकेंगे मेरिट लिस्ट में। तो और इसका एडमिशन जो होगा, जैसे ही मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा, तो उसके बाद 23 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर यानी 6 दिन आपका एडमिशन प्रोसेस चलेगा। और यहाँ देख सकते हैं, क्लास जो है 30 सितंबर से स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि सितंबर के बाद आपका, सितंबर के बाद जो आपका 10वां महीना होगा, उस महीना में आपका रेगुलर रूप से क्लास स्टार्ट होगी। तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों, जो भी आप सभी नए हैं, चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इस तरह के नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए। और दोस्तों, आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को ज़रूर एक दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनका भी एडमिशन हो पाए, उनको भी एक सेशन गैप नहीं होना पड़ेगा। अगर आप मान लें कि किसी कारण से इस सेशन में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका 19 से 21 सेशन में एडमिशन होगा, जो कि आपका 2 साल का लॉस जाएगा। दोस्तों, आप सभी को एक सूचना देना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीएड का तो अभी एडमिशन चल नहीं रहा है इस यूनिवर्सिटी से। अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अभी एडमिशन प्रक्रिया नहीं चल रही है, जो इस बार का एडमिशन प्रक्रिया था वो समाप्त हो चुकी है, तो अब अगले साल आपका चांस बनेगा बीएड में एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ हम इसलिए इस बात को रिपीट कर रहे हैं, यदि आप
पीजी प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका 18 से 19 सेशन में प्रथम सेमेस्टर क्लियर, और आगे जो आपका एक साल आगे बीतेगा वो आपका सेकेंड सेमेस्टर उसमें क्लियर हो जाएगा। यानी कि जब आपका बीएड का प्रोसेस स्टार्ट होगा एडमिशन के लिए, तब तक में आपका पीजी फाइनल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तब तक में आपका पीजी फाइनल हो सकता है, इसलिए आपको यह 2 साल गैप भी नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहेंगे बाद में एडमिशन की प्रक्रिया, यानी जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया या फिर कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आप पीजी से नामांकन रद्द करवा करके आप बीएड में जा सकते हैं। थोड़ा बहुत आपका रुपया बर्बाद जाएगा, लेकिन आपका अगर मान लिए कि बीएड में एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई नहीं होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आपका पीजी में एडमिशन रह जाएगा। यानी कि आप अगले एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भाग लीजिएगा बीएड के लिए, तो आपको तब तक में पीजी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है और सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग अभी पीजी में एडमिशन ज़रूर ले लीजिए, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं। और आगे जब बीएड की प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो अगर उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, तो एडमिशन को फिर से आप रद्द करवा लीजिएगा और आप बीएड में एडमिशन ले लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, नामांकन रद्द करवाइएगा तो आपको जो है सारा डॉक्यूमेंट्स साथ साथ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए इस तरह से अपडेट रहने के लिए। आगे हम आप लोगों को फिर से एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।